हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिवानी। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। गर्मियों के मौसम में एक्ने, पिंपल, टैनिंग होना एक नॉर्मल बात है। ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आपके फेस पे पिंपल हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो जाइए, इस पे परेशानी की बात नहीं है। हाँ, लेकिन हद से ज़्यादा अगर आपके फेस पर पिंपल हो रहा है तो उसका आपको डॉक्टर से एक अच्छा ट्रीटमेंट लेना ही लेना होगा, क्योंकि होम रेमेडीज़ तभी अपना असर दिखाती हैं जब वो स्टार्टिंग में रहती हैं। अगर आपने स्टार्टिंग में अच्छे से ध्यान दे लिया तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम हद से ज़्यादा बढ़ गई है तो फिर आप डॉक्टर से एक बार परामर्श जरूर करें। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। आज मैं आपके साथ एक ऐसा फेस पैक शेयर करने वाली हूँ जो पिंपल, एक्ने, टैनिंग की प्रॉब्लम को रिमूव करने में हेल्प करेगा। जी हाँ, पिंपल की वजह से फेस पे खुजली होने लगती है, दर्द बहुत रहता है, और जब पिंपल ठीक हो जाता है, वहाँ से ठीक हो जाते हैं, तो उसके दाग धब्बों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। मेरे पास इंस्टा पे काफ़ी सारे मैसेज आते हैं कि मुहासे तो ठीक हो गए लेकिन उसके दाग नहीं जा रहे हैं। दाग जाएंगे, देखिए मुझे भी यहाँ पर था, बहुत लाइट हो गया है देखते देखते, लेकिन उसका आपको रेगुलर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ठीक हो गया फिर आपने छोड़ दिया, ऐसा अगर आप करेंगे तो आपके फेस पे फिर से पिंपल एक्ने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। पिंपल एक्ने हार्मोन चेंजेस की वजह से होते हैं, वेदर के चेंजेस की वजह से होते हैं, एंड खाने पीने की वजह से भी होते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खा लेते हैं तो उन्हें पिंपल एक्ने की प्रॉब्लम होने लगती है। जैसे कि अभी मैंगो का सीज़न चल रहा है, मैंगो जो होता है बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और गर्म चीज़ें खाने की वजह से भी पिंपल एक्ने की प्रॉब्लम होने लगती है। बट ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जिसको आप फेस नहीं कर सकते, जिसका कोई समाधान नहीं है। होम रेमेडीज DIY आप ट्राई करते रहिए, फेस को क्लीन रखिए, अच्छे से खाने पीने का ध्यान रखिए, कुछ भी नहीं होगा। और हाँ, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया करें, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती आप पानी पीजिए। जब भी आपको प्यास लगे अच्छा पानी पीजिए, दिन में 4 से 5 लीटर पानी पीजिए, देखिए आपके फेस पे, हेल्थ पे कोई इश्यूज होंगे ही नहीं। तो चलिए आज एक मैं फेस पैक आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो है मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी ली है। अब मैं इसमें ये कपूर का टुकड़ा मैंने अच्छे से कूट लिया था, छोटा टुकड़ा ही लेना है आपको, इसको मैं ऐड करूंगी इसमें। अच्छे से इसे बारीक पीस लीजिएगा। अब इसमें रोज वाटर ऐड करेंगे, उतना ऐड करिएगा जितने में आपका ये पेस्ट अच्छे से तैयार हो जाए। ना बहुत पतला और ना ही बहुत गाढ़ा आपको पेस्ट को रखना है। मुल्तानी मिट्टी जो होता है वो पिंपल एक्ने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, स्पेशली जैसा वेदर चल रहा है, गर्मियों वाला, ह्यूमिडिटी वाला, इसमें सबसे ज़्यादा फेस पे पिंपल की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो हमारे फेस पे ऑयल बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता है, उसकी वजह से अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया तो आपके पोर्स ओपन रहते हैं और सारी गंदगी उनमें जमा होती है जो पिंपल एक्ने का प्रॉब्लम स्टार्ट कर देती है। तो देखिए इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। फेस पैक को अप्लाई करने से पहले फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा। मुल्तानी मिट्टी में एंटीबैक्टीरियल के गुण पाए जाते हैं जो स्किन को कूल करने में हेल्प करते हैं। वहीं एंटीबैक्टीरियल से भरपूर कपूर फेस पे किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो उसे ठीक करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ स्किन को रिपेयर भी करता है। कपूर स्किन को टाइट करने में हेल्प करता है, फाइन लाइंस, झुर्रियाँ जैसी समस्या को भी दूर करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ दाग धब्बों को भी दूर करने में हेल्प करता है। अगर पिंपल एक्ने की वजह से आपके फेस पे कोई भी दाग धब्बा हो गया है तो ये उन्हें भी रिमूव करने में हेल्प करेगा। देखिए मैं पूरे फेस पर इसे अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ, आपको भी थिक कंसिस्टेंसी में इसे अप्लाई करना है। आप चाहें तो इसे अपने नेक पे, हैंड पे, लेग पे, कहीं भी अप्लाई कर सकती हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ ये फेस के लिए है, बॉडी में आपको अगर कहीं भी घमौरियों की प्रॉब्लम है तो ये उन्हें भी रिमूव करने में हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें जो मैंने दोनों इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं वो दोनों ही इंग्रेडिएंट्स कूलिंग इफेक्ट देते हैं बॉडी को।
तो अच्छे से इसे पूरे फेस पे अप्लाई कर लीजिए, नेक पे अप्लाई कर लीजिए। देखिए मैंने कर लिया है, वैसे ही आपको भी करना है। और 15 मिनट तक इसे ऐसे ही रहने दीजिएगा। कभी भी मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लगाएं तो उसके बाद अपने फेस को मॉइस्चराइज करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी का जो फेस पैक होता है वो फेस को थोड़ा सा ड्राई कर देता है मिट्टी की वजह से। तो इसलिए आप फेस पैक जब रिमूव करें तो उसके बाद मॉइस्चराइज जरूर करें। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं टोनर अप्लाई करूंगी। टोनर जो होता है वो आपके पोर्स को लॉक कर देगा और जो इस फेस पैक की गुडनेस है वो अंदर तक चली गई होगी। और यहाँ पर मैं गुड वाइब्स का टोनर यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो, अगर आपके पास टोनर नहीं है तो आप रोज वाटर का भी यूज कर सकते हैं या फिर आप लेमन अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो भी सुटेबल लगे आप उसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैंने टोनर अच्छे से अप्लाई कर लिया। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि टोनर अप्लाई करने के बाद डैब डैब जरूर करें। फेस पैक अप्लाई करने के बाद फेस पे कितना ग्लो दिख रहा है। इस फेस पैक की खास बात ये होती है कि मुल्तानी मिट्टी से रिलेटेड जो भी फेस पैक होते हैं वो आपके फेस पे नेचुरल ग्लो देते हैं। और साथ ही साथ मुल्तानी मिट्टी में एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रॉपर्टीज जो होती है वो आपके फेस को, आपकी स्किन को क्या कहते हैं, कूलिंग इफेक्ट देती है। देखिए कितना अच्छा, अभी मैंने कुछ भी नहीं, आपके सामने ही रिजल्ट है। देखिए कितना ज्यादा ग्लो दिख रहा है। टोनर जब अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए तो मॉइस्चराइज कर लीजिए। यहाँ पर मैं अपने गुड वाइब्स की नाइट क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। ये है गुड वाइब्स की वीट ग्राम नाइट क्रीम। आपके पास जो भी क्रीम हो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे पूरे फेस पर अच्छे से जब भी कोई क्रीम अप्लाई करिए तो एक मसाज जरूर करिए सर्कुलर मोशन में, ऐसे ऐसे। इससे क्या होता है आपके फेस का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा और जो फेस है वो हेल्दी लगने लगेगा, ग्लोइंग लगने लगेगा। अभी आप देखेगा जब ये क्रीम अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगी फेस पे तो फेस कितना ज्यादा ग्लो करने लगेगा, ये देखिए। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरी रेमेडीज आपको पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाएगा। पहले आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा अगला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।